गया क्वेश्चन ये देखो, ट्राई करो। एक वेक्टर ए है और बी है, वो दोनों ऑर्थोगोनल है। अब ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या होते हैं यार? ऑर्थोगोनल वेक्टर वो होते हैं जो परपेंडिकुलर होते हैं यार। अगर दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, दे आर ऑर्थोगोनल, ठीक है। फंक्शन ऑफ वैल्यू ऑफ टी एट विच दे आर ऑर्थोगोनल, ठीक है, किस टाइम वो परपेंडिकुलर है। चलो, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो हम सबको पता है उनका डॉट जीरो होता है। अगर मीन का डॉट जीरो है तो ए डॉट बी मस्ट बी इक्वल टू, ए डॉट बी मस्ट बी इक्वल टू जीरो भाई, ए डॉट बी मस्ट बी, ये भी और ये भी, तो ये भी और ये भी डॉट जीरो ले लो। अब इनका डॉट निकालोगे तो एक बार इनको लिख लो, ठीक है, एक बार इनको लिख लो, तो जैसे थोड़ा आपको समझ में आए। ये कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी आई कैप, ठीक है, प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप। ए को कॉपी कर दिया, डॉट लगाया, बी को कॉपी किया, ठीक है। बी क्या है? कॉस ओमेगा टी बाई टू आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी बाई टू जे कैप, दैट मस्ट बी इक्वल टू जीरो अगर ऑर्थोगोनल है तो, ठीक है। चलो, अब आपको आई क्रॉस डॉट प्रोडक्ट निकालने आता होगा, आई का आई जे का जे, कॉस ओमेगा टी का आई ये है, ठीक है। तो कॉस ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी बाई टू, आई का आई प्लस जे का जे, साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी प्लस साइन मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा टी बाई टू, दैट मस्ट बी इक्वल टू जीरो ऑर्थोगोनल है। अब यहाँ से आ गया एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला, यहाँ लगेगा ट्रिग्नोमेट्री की, कि कॉस ए प्लस ना कॉस ए माइनस बी होता है कॉस ए कॉस बी, और माइनस माइनस है ना प्लस साइन ए और साइन बी, ये वाली ट्रिग्नोमेट्रिकली आइडेंटिटी लगेगी, ठीक है। चलो, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कॉस ओमेगा टी ए और माइनस ओमेगा टी बाई टू, दैट मस्ट बी इक्वल टू जीरो, है ना, जीरो के इक्वल हो गया। अगर ये जीरो के इक्वल हो गया, इसका मतलब ये हुआ कॉस जीरो तभी हो सकता है जब कॉस पाई बाई टू हो, 90 हो। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, कि कॉस कॉस ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी बाई टू, ये है, इसका मतलब ये हुआ कि ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी बाई टू दैट इज इक्वल टू पाई बाई टू, ठीक है। अब यहाँ से ओ हमें टाइम निकाल लो, जब ये ऑर्थोगोनल हुए हैं तो ये आ जाएगा ओमेगा टी अपन टू दैट इज पाई बाई टू, तो टू ने टू को, तो टी इज इक्वल टू पाई अपन ओमेगा, टी इज इक्वल टू पाई अपन ओमेगा। ये हुआ टाइम है जब ये दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगे। दे आर वेरिएबल वेक्टर, टाइम डिपेंडेंट, ठीक है, और ये कि स्पेशल टाइम पे, ये जो स्पेशल टाइम है इस टाइम पे ये दोनों आपस में 90 डिग्री पे हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे, ये बता रहा है।